खबर बनारस से है। स्वतंत्रता भवन में आयोजित मुख्य समारोह होगा। पानी आल्टो नेटवर्क्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री निकेश अरोड़ा दीक्षांत भाषण में आपको बता दें समारोह में सम्मानित हो रहे हैं। विद्यार्थी का कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन ने आह्वान किया, जीवन से अपने कार्य और आचरण से स्वयं को, अपने परिवार को और अपनी मातृ संस्था को गौरवान्वित करें। जैन ने विद्यार्थी और उपाधि प्राप्तकर्ताओं से संस्थान को आगे बढ़ाने के प्रयासों में शामिल होने और BHU नेटवर्क का हिस्सा बनने को कहा। वाराणसी में 8 दिसंबर 2022 काशी हिंदू विश्वविद्यालय के 37,396 विद्यार्थी अपने छात्र जीवन के उस सबसे प्रमुख अवसरों में से एक का अनुभव करने को तैयार हैं, जिसके स्मरण में वे जीवन पर्यंत गौरवान्वित होंगे। विश्वविद्यालय अपने 1024 दीक्षांत समारोह में वर्ष 2020, 2021 और 2022 में डिग्री उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को उपाधियां प्रदान करेगा। दीक्षांत समारोह का मुख्य कार्यक्रम सुबह 10 बजे से स्वतंत्रता भवन सभागार में आयोजित होगा। इस संबंध में केंद्रीय कार्यालय की स्मृति का संख्या 1 में एक संवाददाता सम्मेलन का संबोधित करते हुए कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन ने कहा कि COVID-19 महामारी के कारण लगभग 3 वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित किए जा रहे दीक्षांत को लेकर विश्वविद्यालय परिवार अत्यंत उत्साहित एवं प्रफुल्लित है। उन्होंने कहा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय एक बहुत ही अनूठी संस्था है और अपने विद्यार्थियों एवं पूर्व छात्रों के साथ विशेष संबंध रखने के लिए जानी जाती है। प्रोफेसर जैन ने कहा कि दीक्षांत समारोह इस संबंध के स्मरण और इसे और मजबूत करने का एक अवसर है। कुलपति ने कहा कि BHU में छात्रों को न केवल उनके करियर में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए पुस्तकीय और पेशेवर ज्ञान से परिपूर्ण किया जाता है, बल्कि उनमें मानवीय मूल्य, लोकाचार और जीवन कौशल को भी विकसित किया जाता है, जो उन्हें आदर्श नागरिक बनाने तथा समाज व देश में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तैयार करते हैं। उन्होंने कहा कि छात्र और पूरा पत्र किसी भी शैक्षिक संस्थान के सबसे महत्वपूर्ण हितधारक होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पूरा छात्रों की संख्या, क्षमता और विविधता के लिहाज से काशी हिंदू विश्वविद्यालय विशिष्ट संस्थान है। उन्होंने 2022 के दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्तकर्ताओं से संस्थान को जाके बढ़ाने के प्रयासों में शामिल होने का आह्वान किया और उन्हें BHU के नए अलुमनाई पोर्टल पर पंजीकृत होने के लिए आमंत्रित किया। कुलपति ने उल्लेख किया है कि नया पोर्टल BHU के आधिकारिक पूरा छात्रों को एक कुशल तरीके से जोड़ने के उद्देश्य से तैयार किया गया है, ताकि उनसे बेहतर संपर्क बनाए रखे जा सके और इन संबंधों को प्रभावी रूप से व्यवस्थित और प्रतिबंधित और किया जा सके। पोर्टल पर BHU वेबसाइट www.alumni.bhu.ac.in लिंक के माध्यम से जाया जा सकता है। कुलपति ने कहा कि धरती को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने हेतु नए अवसर सृजित करने के लिए विश्वविद्यालय प्रतिबद्ध है। उन्होंने विगत एक वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा की गई कई पहलों का भी उल्लेख किया। श्री जैन ने बताया कि मुख्य समारोह में कुल 91 उपाधि प्राप्तकर्ताओं को मंच से विभिन्न पदक प्रदान किए जाएंगे। इनमें कुलपति पदक, स्वर्गीय राजा विभूति नारायण सिंह स्वर्ण पदक और BHU पदक शामिल हैं। BHU के पूरा छात्र और पाली अल्टो नेटवर्क्स के अध्यक्ष तथा मुख्य अधिकारी कार्यकारी अधिकारी निकेश अरोड़ा इस वर्ष का दीक्षांत संबोधन देंगे। उन्होंने प्रौद्योगिकी संस्थान BHU और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में स्नातक तथा नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी बोस्टन अमेरिका से मार्केटिंग में SG की उपाधि प्राप्त की है। 10 दिसंबर को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 102वां कन्वोकेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हम कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से कन्वोकेशन नहीं हो पाया था, तो इस साल हम 2020 के ग्रेजुएट्स को, 2021 के ग्रेजुएट्स को और 2022 के ग्रेजुएट्स को, 3 साल के ग्रेजुएट्स को डिग्री देने वाले हैं और करीब 37,000 से ज़्यादा डिग्रियां इस बार हम लोग बांटने वाले हैं। ये मुख्य कार्यक्रम स्वतंत्रता भवन में 10 तारीख को होगा और उस मुख्य कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे श्री निकेश अरोड़ा, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग करके बहुत ही अच्छा उनका करियर रहा है। गूगल में काम किए हैं, माइक्रो सॉफ्ट बैंक जापान में काम किए हैं और अब पालो आल्टो नेटवर्क्स में MD CEO हैं। वो इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। सर,
सर ये जगह जो सबंदा बन चुका है ये बच्चों के लिए कम डिस्टेंस कम बच्चों के लिए कम पड़ेगा हाँ ये थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि स्वतंत्रता भवन की कैपेसिटी लिमिटेड है और हमारे विश्वविद्यालय काफ़ी बड़ा है तो इसलिए प्लान किया गया है कि छोटा हॉल होने की वजह से एक छोटा कार्यक्रम मुख्य कार्यक्रम यहाँ पर होगा और उसके बाद हर फैकल्टी में अलग अलग कार्यक्रम होंगे जो 10 तारीख को 11 तारीख को और 12 तारीख को चलेंगे।